सो दोस्तों नागाकोटी पीछे रह गया, आप देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का एक अलग लुत्फ है, इसका एक अलग मजा है। ये नागाकोटी पीछे रह गई है, अब हम शेषनाग में पहुंचने वाले हैं। ये देखो एक घंटे में सिर्फ हमने शेषनाग में पहुंच जाना है। जय बाबा शेषनाग की जय। देख सकते हो बर्फ, घोड़े बर्फ के ऊपर चल रहा है। जय भोले। ये हमारा रास्ता शेषनाग के लिए, और नीचे नीचे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, नीचे झरना बग रहा है। शाम के 5:30 बज चुके हैं, मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है, आप देख सकते हो। शेषनाग में हम पहुंचने वाले हैं, बस 1 किलोमीटर का रह गया। वो जो टेंट देख रहे हो, रूर टेंट, ये टेंटों में हमको जाके रुकना है, बस हम पहुंचने वाले हैं शेषनाग। बम बम भोले। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लोग हर उल्लास के साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए। आओ भाई आओ, भोले का बाण ले जाओ। हमने अपनी पिसू टॉप वाली यात्रा शुरू कर दी हुई है, पिसू टॉप का लंगर पानी खा लिया है, बहुत आनंदमय है। दिल्ली के लोग बहुत नेक हैं। आप कुछ कहना चाहोगे मौसम के बारे में? मौसम एकदम बढ़िया है। आप यहाँ पर आगे पीछे व्यूज को दिखाओ कि पहाड़ी का कैसा मौसम तो ऐसा बन गया है, आज तक ऐसा नजारा कभी देखा नहीं, देखा ही नहीं। अब विश्वास आ गया होगा आपको, पीछे दिखाओ, अब विश्वास आ गया। सो गाइस आप देख सकते हो ये रास्ता जो जा रहा है ना सीधा, अब ये देखो ये सामने पहुंच गए हम अपने पहले पड़ाव पिस्सू टॉप पे। वो दिखाता हूँ आपको पिस्सू टॉप, इधर लंगर बंगर सब लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। बस 5-10 मिनट तक हमारा पिसू टॉप पहुंचे ना, एक बार मेरे दोस्त मेरे ना जुड़ चुके। जय बम बम भोले कर दो, बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर महादेव। वाह, हर एक पॉइंट भोलेनाथ की कृपा से आपको दर्शन कराएंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हैगा, बाकी सब ठीक है। विश्वास, देखो कितने कितने लोग, कितनी कितनी दुनिया आती है। अब मैं आपको पास का व्यू दिखाता हूँ। वाह जी वाह, ये हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पिस्सू टॉप है भाजी? हाँ जी। भाजी की दा तुहाडा की विचार है? बहुत वधिया जी। किवें लग रहा तुहानू इत्थे? बहुत वधिया, आनंद। ये भाजी साडे जत्थे नाल ही जुड़ चुके हैं, भंडारी साहब हैगे ने, बहुत नेक बंदे ने, देख सकते हो, देख सकते हो तुसीं नेकी देख सकते हो। बहुत शुक्र है मालक का। नज़ारा आप देख सकते हो, क्या हाल है सोनू जी? क्या बोले, क्या प्रोग्राम है? जय शंकर, हर हर महादेव। हाँ जी सोनू जी, कुछ कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? बिंदास। हाँ जी, मेरे मालिक पिट्ठू वाले भी आ गया। 300 रुपए घोड़ा बोलता है, पर इन्हें घोड़ा करना ने कसम खाती है, डैडी ने पैसे भी काट देते हैं। बंदे बड़े नेक ने जी इत्थे जी। घोड़े वाला रस्ता अलग हैगा वा, ते पैदल आने वाला रस्ता अलग हैगा। बहुत नेक बंदे ने जिहड़े यात्रा कर रहे ने। देखो झरना भी बग रहा साइड तो। हाँ जी सोनू जी, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਯਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇ, 3000 ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ 300 ਗਿਆ। ਇਹ 3000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 300 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਅਬ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਯਾਤਰਾ, ਥੋੜਾ ক্লোਜ਼ ਅਪ ਲੈ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਅਬ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸੂ ਟੋਪ ਮੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। सोनू है हमारे बीच में, सिर्फ उसी ने जूते नहीं पहने, देख सकते हो बहुत सुंदर दृश्य है। अब ऊपर देखो पिस्सू टॉप, घोड़े घोड़े वाले लेके जा रहे हैं। वाह जी वाह, ऊपर देखो ये, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा है यहाँ पे, बहुत सुंदर इलाका है। अमरनाथ यात्रा बम बम भोले करके चलते चलो। वाह जी, जय भोले, जय भोले, जय भोले। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शेषनाग। बस
इससे पूछोगे तो एक किलोमीटर इनका खत्म नहीं हो रहा। बस दस मिनट तक हमने पहुंच जाना है। नज़ारे देख सकते हैं, शाम के 7:30 बज चुके हैं। इधर मजा ही मजा है, बहुत आनंद है। जय हो, जय बोले, वाह जी वाह। अरे वो अगले पड़ाव की एंट्री होने वाली है, हेल्थ एड भी है, जोगी मल इसको बोलते हैं, पता नहीं जीगो मल के क्या बोलते हैं, मैं आपको सारी सब बताता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये, पहाड़ों के बीच में बसा है बाबा का डेरा। जय बाबा बर्फानी।